हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीडियो टेस्टर और मैं हूं प्रिया। आज हम बहुत यूजफुल प्रोडक्ट का टेस्ट करने वाले हैं जो कि है बेबी डायपर्स। बेबी डायपर्स को हम इस तरीके से चेक करेंगे कि वो कितना ज्यादा लिक्विड अब्सॉर्ब करता है। आज हम टेस्ट करेंगे कि 250 से 300 ml लिक्विड अब्सॉर्ब करने के बाद भी कौन सा डायपर आपकी बेबी की स्किन को ड्राई रखता है। चलिए जान लेते हैं कि मैंने किन किन ब्रांड के डायपर्स को खरीदा है और उसके बाद हम टेस्ट शुरू करेंगे। सबसे पहला जो है वो है पैम्पर्स, और ये जो पैम्पर्स, ये जो सारे डायपर्स हैं वो मैंने 7 से 12 केजी तक के बच्चों के लिए लिया है, यानी कि ये मीडियम साइज के डायपर्स हैं। ये सारे मीडियम साइज के डायपर्स ही हैं और ये 7 से 12 केजी तक के बच्चों के लिए है। उसके बाद जो मेरे पास डायपर है वो है मैनी पोको पैंट्स का, जो कि मीडियम साइज में है और ये 7 से 12 केजी तक के बच्चों के लिए है। उसके बाद जो मेरे पास डायपर है वो है हगीज का ड्राई, और ये भी 5 से 11 केजी तक के बच्चों के लिए है और ये मीडियम साइज का डायपर है। इसके बाद जो मेरे पास डायपर है वो है हिमालय ब्रांड का, जो कि है बेबी डायपर्स, और ये भी 7 से 11 केजी तक के बच्चों के लिए है जो कि मीडियम साइज में है। मैंने सभी डायपर्स मीडियम साइज के ही लिए हैं और अब हम इनका एक एक करके टेस्ट शुरू करेंगे। हगीज ड्राई जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये क्लिनिकली प्रूविन है और ये आपकी बेबी को रैशेस से बचाएगा, और हिमालय ब्रांड का जो डायपर है इसके ऊपर भी ये लिखा हुआ है कि ये मेडिकली टेस्टेड है बाय बेबी स्किन, यानी ये बच्चों के स्किन को प्रोटेक्ट करेगा रैशेस से। तो अब हम एक एक करके इनका टेस्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कि लास्ट तक सबसे ज्यादा ड्राई कौन सा डायपर रहता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डायपर है वो मैं हिमालय का खोल रही हूँ। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। इसके बाद जो मेरे पास डायपर है वो है पैम्पर्स का। इसके बाद जो हमारे पास डायपर है वो है हगीज ड्राई का। उसके बाद जो मेरे पास डायपर है वो है मैनी पोको पैंट्स का। ये वो 4 डायपर्स हैं जिनका आज हम टेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों डायपर्स जो हैं वो पैंट की तरह हैं, इसलिए इन्हें टेस्ट करने के लिए हमें इन्हें साइड से खोलना होगा ताकि हम इन पे प्रॉपर टेस्ट कर पाए, वरना हम इस पे ठीक तरीके से टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले इन दोनों पैंट्स को खोल लेते हैं और सही तरीके से फैला लेते हैं, उसके बाद हम टेस्ट शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सभी डायपर्स को एक कार्डबोर्ड के ऊपर फैला लिया है। 2 जो डायपर्स थे इसमें से वो पैंट स्टाइल में थे, इसलिए हमने उन्हें खोल के इस तरीके से फैला लिया है और अब हम टेस्ट शुरू करेंगे। चलिए पहले जान लेते हैं कि कौन सा डायपर मैंने किस ऑर्डर में लगाया है, उसके बाद हम टेस्ट शुरू करेंगे। सबसे पहला जो है वो है हिमालय ब्रांड का बेबी डायपर। उसके बाद जो मेरे पास है वो है पैम्पर्स। उसके बाद जो मेरे पास है वो है हगीज का ड्राई, और उसके बाद जो मेरे पास है वो है मम्मी पोको पैंट्स। ये 4 डायपर्स मैंने फैला लिया है और इसका जो हम मेजरमेंट करेंगे वो इस बोतल की मदद से करेंगे। इस बोतल के ऊपर आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में मेंशन किया हुआ है कि ये कहाँ पे कितना ml पानी है। ये है 100 ml, 250 ml, 500 ml और 750 ml। तो ये इसमें मेजरमेंट दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है 8 से 12 घंटे में बेबी 250 से 300 ml तक टॉयलेट करता है, तो इसमें 250 ml तक मेजर किया हुआ है। इसकी सहायता से हम इन सभी डायपर्स के ऊपर 250 ml लिक्विड फैलाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा ड्राई कौन सा डायपर रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 250 ml पानी इस बॉटल के अंदर ले लिया है, और ये कलरफुल पानी है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि कौन सा डायपर ड्राई है और कौन सा डायपर गीला हो चुका है। सबसे पहले हम हिमालय ब्रांड के बेबी डायपर के ऊपर लिक्विड फैलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हिमालय वाले के ऊपर पानी फैला लिया है। इसके बाद हम लिक्विड फैलाएंगे पैम्पर्स के ऊपर और फिर से हमने 250 ml ही पानी लिया है और अब हम इसके ऊपर धीरे धीरे करके पैम्पर्स के ऊपर पानी डालना शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पैम्पर के ऊपर भी लिक्विड फैला लिया है। अब हम हगीज वाले के ऊपर उतना ही लिक्विड फैलाएंगे 250 ml। आप देख सकते हैं 250 ml लिक्विड ही मैंने फिर से लिया है और अब हम 250 ml लिक्विड ही इसके ऊपर फैलाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने हगीज के ऊपर भी लिक्विड फैला लिया है और अब हम लिक्विड फैलाएंगे मम्मी पोको पैंट्स के ऊपर और मैंने फिर से 250 ml ही पानी लिया है और अब हम इसके ऊपर फैलाना शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सभी डायपर्स के ऊपर लिक्विड फैला लिया है और ये अपने अपने फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा ड्राई कौन सा डायपर है। मैंने एक टिश्यू पेपर को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और अब हम डायपर्स के ऊपर इस टिश्यू को लगा के टैप करके देखेंगे कि ये इस टिश्यू के ऊपर इस डायपर का लिक्विड आता है या नहीं। बेबी को रैशेस होने की सबसे बड़ी वजह होता है गीलापन। गीलेपन की वजह से ही बेबी को रैशेस होते हैं और वही आज हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इस पे कुछ खास नहीं आया है स्टेन। सेकेंड टिश्यू को भी मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूंगी और इसके बाद हम टेस्ट करेंगे पैम्पर्स वाले को। इसी तरीके से मैंने एक और टिश्यू ले लिया है और इसको भी उसी तरीके से डबल फोल्ड किया है और अब हम चेक करेंगे हगीज को। उसी तरीके से मैंने एक टिश्यू ले लिया है और इसको भी डबल फोल्ड किया है और अब हम चेक करेंगे मम्मी पोको पैंट्स को। देख सकते हैं कि ऊपर स्टेन नहीं आया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कंपटीशन बहुत ही टफ था। सभी डायपर्स बहुत ज्यादा गीला नहीं थे, हल्का हल्का स्टेन सबके ऊपर आ रहा था बट मम्मी पोको पैंट्स जो है वो बिल्कुल ही ड्राई था। इसलिए हमने सोचा है कि हम इसका दोबारा से एक बार टेस्ट करेंगे और आप लोगों के सामने रिजल्ट दिखाएंगे कि सबसे ज्यादा ड्राई कौन सा है। उसी तरीके से हम एक टिश्यू ले लेते हैं और इसको डबल फोल्ड करेंगे और अब हम टेस्ट करेंगे हिमालय वाले को इस तरीके से दबा के। बहुत ना के बराबर इस पे स्टेन आ रहा है।
उसी तरीके से एक और टिश्यू को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये एक सिंगल टिश्यू है, इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। और अब हम चेक करेंगे पैम्पर्स को। एक सिंगल टिश्यू है, उसको भी मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। और अब हम चेक करेंगे हगीज को। उसी तरीके से एक सिंगल टिश्यू ले लिया है और इसको हमने डबल फोल्ड किया है। और अब हम चेक करेंगे मम्मी पोको पैंट्स को। इसके ऊपर अभी भी एक बूंद भी स्टेन नहीं है, हल्का फुल्का सा भी स्टेन नहीं है, आप देख सकते हैं। आपको इस तरीके से खोल के दिखा देती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा ड्राई जो है वो है मम्मी पोको पैंट्स। और इसको जो हमने टेस्ट किया था और इसके टिश्यू को जो हमने देखा तो इसके ऊपर एक बूंद भी लिक्विड नहीं था, यानी कि ये आपके बेबी के स्किन पे एक बूंद भी लिक्विड नहीं जाने देगा, जिसके कारण आपके बेबी के स्किन में बिल्कुल भी रैशेस नहीं होंगी। और एक चीज और फील किया मैंने इसके ऊपर लिक्विड डालते टाइम, हमने ये फील किया कि सबसे तेजी से जो लिक्विड अब्सॉर्ब होता है वो मम्मी पोको पैंट्स में लिक्विड अब्सॉर्ब होता है। और दूसरी चीज जो हमने अब्सॉर्ब की वो ये थी कि इन डायपर्स के ऊपर लिक्विड फैलाने के कुछ मिनट बाद ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाते हैं, लेकिन कुछ सेकंड तक इनके ऊपर नमी रहती है, गीलापन रहता है। बट जो मम्मी पोको पैंट्स है वो डालते के साथ ही अंदर लिक्विड अब्सॉर्ब हो जाता है। इसको टच करने पे आपको बिल्कुल भी गीलापन महसूस नहीं होगा, यानी कि आपके बेबी के स्किन को थोड़ा सा भी हार्म, थोड़ी सी भी रैशेस नहीं होंगी मम्मी पोको पैंट्स से। तो दोस्तों, आज का जो हमारे टेस्ट का विनर है वो है मम्मी पोको पैंट्स। आज का टेस्ट आपको कैसा लगा वो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगला टेस्ट आप किस वीडियो के ऊपर चाहते हैं वो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छे और यूजफुल टॉपिक्स पे वीडियो बना सके और आपको सही गाइड कर सके। थैंक यू।